हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं वो अपने एम्प्लॉयर को एक कंपटीशन शीट जमा करते हैं, जिसे आगड़न प्रपत्र भी कहते हैं, जिसमें आप अपनी सैलरी की से संबंधित डिटेल्स, जो आपकी सेविंग्स है, जो आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं उससे संबंधित डिटेल्स आप अपने एम्प्लॉयर को फर्निश करते हैं। आप चाहें तो सैलरी के अलावा दूसरे स्रोतों से जो भी आपको आय प्राप्त हो रही है उसकी डिटेल्स भी आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ये मैंडेटरी है? तो दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय को एम्प्लॉयर को फर्निश करना ये पूर्ण रूप से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो इसे डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली ये सारी डिटेल्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बाद में भी फाइल कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या इससे आपको कोई व्यक्तिगत लाभ है? तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको दूसरे स्रोतों से जो आय प्राप्त हो रही है उस पर लगने वाला कर कितना है। अगर वो टैक्स अमाउंट 10,000 रुपये से ऊपर जाता है, जो एडवांस टैक्स का एक लिमिट है, अगर वो 10,000 रुपये से ऊपर जाता है तो ये बेहतर है कि आप ये सारी डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर को फर्निश कर दें। और अगर उस पर स्रोत पर टैक्स की कटौती हो जाती है तो आपको एडवांस टैक्स पर लगने वाला जो ब्याज है उससे आपको छूट मिल जाती है। जो भी आप 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 के बीच में जो आय आप कमाते हैं उसका निर्धारण इस साल के खत्म होने के बाद, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 के बीच में होगा, इसीलिए उसको कर निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर कहते हैं। और जिस पिछले साल में आपने इनकम कमाई है उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। सरकार कर निर्धारण वर्ष एक साल बाद तय करती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 2016-17 में जो भी इनकम कमाते हैं उसका टैक्स का भुगतान 2017-18 में करते हैं। बजाय इसके 2017-18 में सिर्फ टैक्स का असेसमेंट होता है, असेसमेंट निर्धारण होता है कि आखिर आपका टैक्स बनता कितना है, और ये असेसमेंट आपकी रिटर्न फाइल करने के साथ, जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं जुलाई में, 31 जुलाई से पहले, उसके साथ ये असेसमेंट होता है। लेकिन आपको टैक्स का भुगतान उसी साल में करना होता है जिस साल में आपने इनकम कमाई होती है, जैसा कि इस साल में 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 के बीच में। जैसे जैसे एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करता है वैसे वैसे हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से टीडीएस टैक्स की कटौती हो जाती है। नियमतः जितना आपका टैक्स बनता है उसको 12 बराबर किस्तों में आपसे टीडीएस की वसूली होनी चाहिए, और जो फाइनल एडजस्टमेंट है वो लास्ट महीने में, फरवरी के महीने में इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। इसीलिए आपसे फरवरी के महीने में ये टैक्स से संबंधित प्रपत्र ले लिए जाते हैं कि अगर आपका टैक्स कितना बनता है फरवरी में, अगर ये तय हो जाता है तो आपका अगर कम कटौती हुआ है तो फरवरी के महीने में शेष टैक्स जो है वो काट करके आपका वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। अब अगर आपको दूसरे स्रोतों से इनकम प्राप्त हो रही है और जो टैक्स का निर्धारण, जो टैक्स कटौती जो आपकी हुई है वो निर्धारित टैक्स से अगर कम हुई है तो फिर आपको सरकार आपको एडवांस टैक्स जमा करने के लिए कहती है, और ये एडवांस टैक्स 15 जून तक आपको 15% जो टोटल एस्टिमेटेड टैक्स है उसका 15% आपको 15 जून तक जमा करना होता है। आपको 45% टैक्स 15 सितंबर तक जमा करना होता है, और 75% टैक्स आपको 15 दिसंबर तक जमा करना होता है, और 15 मार्च तक
आपको अपना 100% टैक्स जमा करना होता है। यदि आप समय पर ये किस्तें नहीं दे पाते हैं तो आपको एडवांस टैक्स का ब्याज जमा करना होगा, और अगर 1 अप्रैल के बाद भी आप ये टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको 234B एडवांस टैक्स का जो डिफॉल्ट है उस डिफॉल्ट का भी आपको टैक्स जमा ब्याज जमा करना पड़ेगा। और अगर ये जो तारीखें आपको दी गई हैं इन तारीखों पर अगर आप उसी रेशो में जमा नहीं कर पाते हैं तो 234C आपको डिफरमेंट का भी एडवांस टैक्स पर ब्याज जमा करना होता है। लेकिन टीडीएस कटौती होने का एक फायदा होता है कि अगर आप 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर तक अपनी किसी भी किस्त का भुगतान नहीं कर पाए और फरवरी या मार्च में आपका एम्प्लॉयर इस पर कोई टैक्स की कटौती कर लेता है तो फिर आपको ये पीछे का जो एडवांस टैक्स है इन किस्तों में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आपकी टीडीएस की कटौती होती है तो आपको एडवांस टैक्स पर लगने वाला जो ब्याज है वो ब्याज से आपको बचत हो जाती है। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या जो है उससे संबंधित प्रावधान है, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कौन सी इनकम सैलरी हेड में चार्जेबल है। सबसे पहले इनकम को हम 5 हेड में, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 5 हेड में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन्स, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड हैं जिसके अंतर्गत आपको अपनी सारी इनकम को क्लासिफाई करना होता है और उसी हिसाब से आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। सैलरी हेड के अंतर्गत सेक्शन 15, 16 और 17 ये 3 सेक्शन हैं जिसके अंतर्गत सैलरी की चार्जेबिलिटी तय की गई है। सेक्शन 15 चार्जेबिलिटी का है कि सैलरी हेड के अंदर कौन सी इनकम चार्जेबल होनी चाहिए। सेक्शन 16 सैलरी हेड के अंदर कुछ डिडक्शंस पहले अलाउ होती थी, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन था, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन था और एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स था, लेकिन अब ये सारे के सारे डिडक्शंस स्क्रैप हो गए हैं। और इसके अलावा एक सेक्शन 17 है जिसमें सेक्शन 17 में डेफिनेशंस हैं कि सैलरी का क्या मतलब है, परक्विजिट्स का क्या मतलब है, प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी का क्या मतलब है। तो ये सैलरी हेड के प्रावधान हैं। सैलरी हेड के प्रावधानों के अतिरिक्त जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को अफेक्ट करते हैं उनमें कुछ प्रावधान एग्जम्पशन से रिलेटेड है। आपको कोई इनकम प्राप्त हुई, आपको कोई सैलरी हेड में या किसी दूसरे हेड में कोई इनकम हो रही है और उस पर आपको कोई एग्जम्पशन मिलनी है। एग्जम्पशन का मतलब है, एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब है जो इनकम तो है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो आपकी टोटल इनकम में या ग्रॉस टोटल इनकम में उसको जोड़ा नहीं जाता। तो एग्जम्पशंस आपको सेक्शन 10 में प्राप्त होती हैं। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो मुख्यतः जो एग्जम्पशंस हैं वो आपका सेक्शन 10(13A) है और सेक्शन 10(14) है। दूसरा, जो एक बार आपकी इनकम में शामिल हो जाता है, शामिल होने के बाद हमने जो आपके 5 हेड्स हैं, अगर आपको 5 हेड से कोई इनकम प्राप्त हो रही है तो उनका टोटल करने के बाद उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, सकल कुल आय। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शंस मिलती हैं। डिडक्शंस कंट्रीब्यूशन बेस्ड डिडक्शंस होती हैं और इनकम बेस्ड डिडक्शंस होती हैं। इनकम बेस्ड डिडक्शंस सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कंट्रीब्यूशन बेस्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉय के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप किसी पर्टिकुलर फंड में या पर्टिकुलर जगह पर
कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं और आपको उससे संबंधित छूट मिलती है, तो उन डिडक्शंस को हम चैप्टर 6A सेक्शन 80C से लेकर के और सेक्शन 80U तक जो डिडक्शन मिलती हैं उनको चैप्टर 6A में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ रिबेट्स या रिलीफ्स वो भी सैलरीड एम्प्लॉय को प्रोवाइड होती हैं। 87A की जो रिलीफ है वो सभी को अवेलेबल है, इसलिए सैलरीड एम्प्लॉय के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन 87A की रिलीफ आपको तभी प्राप्त होगी जब आपकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम माने डिडक्शन घटाने के बाद अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम की टैक्सेबल इनकम होती है, डिडक्शन घटाने के बाद जो इनकम आई अगर वो 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 87A की रिबेट मिलती है। और वर्तमान 2016-17 फाइनेंशियल ईयर के लिए या असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए ये रिलीफ आपको 5,000 रुपए तक मिलेगी। ये पहले 2,000 थी पिछले सालों में, अब ये बढ़ा करके 5,000 कर दी गई है और अगले साल में ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिनका 3.5 लाख रुपए से कम का टैक्सेबल इनकम है। पहला सवाल ये उठता है कि सैलरी हेड के अंतर्गत कौन सी इनकम चार्जेबल है, तो सेक्शन 15 तीन बातें कहता है। सेक्शन 15 में पहला, अगर जो एम्प्लॉई है एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर इससे कोई इनकम ड्यू हुई है, ड्यू का मतलब देय हो गई है, चाहे उसे प्राप्त हुई या नहीं, ये सैलरी हेड के अंदर चार्जेबल होगी। दूसरा, अगर कोई इनकम आपको प्राप्त हो गई है चाहे वो आपको ड्यू हुई देय हुई या नहीं, वो भी सैलरी हेड के अंदर चार्जेबल है। और तीसरा, अगर कोई एरियर ऑफ सैलरी आपको एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिल रहा है, अगर पहले उस पर कोई टैक्स नहीं लगा है तो आपको इस साल में उस पर टैक्स देना होगा। तो इनको अगर समराइज करें तो आपको कोई सैलरी अगर ड्यू हो गई है, देय हो गई है, चाहे आपको प्राप्त हुई या नहीं। दूसरा, अगर आपको कोई सैलरी मिल गई है, प्राप्त हो गई है, चाहे आपने काम किया या नहीं किया, ड्यू हुई या नहीं हुई। और तीसरा, अगर आपको कोई एरियर ऑफ सैलरी अगर पहले आपने उस पर टैक्स नहीं दिया है तो आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा।